सुपरहिट हिंदी मूवीज और उनके सीन सॉन्ग्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी मूवी प्लेक्स। तुम मेरे करियर में पहले मुजरिम हो जो मुझे दिल से पसंद हो। ऐसी क्या बात मुझ में पसंद आ गई साहब? तुम्हारी ईमानदारी। यानी तुम पहले आदमी हो जो कबूल करते हो कि तुम बुरे हो, विलन हो, खलनायक हो। 100% साहब, मैं एक खलनायक और अपना एक अपना अपना धंधा है सरकार, दोनों ईमानदारी से करते हैं। सॉरी। इसलिए मैं तुमसे आज एक ईमानदारी का सौदा करना चाहता हूँ। सौदा? जो तुम्हारे फायदे का भी है, हमारे फायदे का भी है। अगर फायदे का हिसाब तो जल्दी बताइए। पांडे साहब बताइए। देख बल्लू, सौदा ये है कि इस हाथ दे और इस हाथ ले। ले ये कि तुम्हारी 20 साल की सजा राम जी कम करा के सिर्फ 2 साल की करा देंगे। 2 साल की? अब कैसे, वो राम जी का काम है, उन्हें करना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें सिर्फ प्राइवेटली, सीक्रेटली, गुप्त रूप से अपने बॉस का नाम और पता हमें बताना होगा। ये बात सिर्फ बस। क्यों राम जी? करेक्ट, ये मेरी गारंटी है। वाह वाह, वेरी गुड। ये सौदा है नायक और खलनायक का, ओपन डील। अभी बताओ और 2 साल बाद घर जाओ, खुद भी सो और हमें भी सोने दो, ऑल इन द फैमिली। साहब भरोसा कर लो। नहीं तो मत बताओ, हमारे पास और भी तरीके हैं पता लगाने के। नहीं नहीं साहब, ये सौदा तो फायदे का है, लेकिन अच्छा पांडे जी आइए आइए आइए, कागज और कलम उठाइए, आइए लिखिए। कदमीती चल रहा। सबसे पहले आप जाइए दिल्ली, दिल्ली दिल्ली से जाइए कश्मीर, कश्मीर श्रीनगर, श्रीनगर श्रीनगर से जीप से जाना पड़ता है पहलगाम, पहलगाम पहलगाम से जाइए खिलनमर्ग, खिलनमर्ग खिलनमर्ग से 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। कहाँ? ऊपर पहाड़ी पर आता है एक मंदिर, मंदिर अमरनाथ जी का मंदिर, अमरनाथ जी का मंदिर, वहाँ लेट कर जाना पड़ता है, लेट कर। आगे आपको एक बर्फ का शिवलिंग मिलेगा, शिवलिंग मिलेगा, उसके सामने 9 बार आपको अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी, नाक रगड़नी पड़ेगी, और अपनी आंखें बंद करके भगवान जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्या कहे भगवान, इस बेवकूफ बल्लू के दिमाग में यह बात डाल दे कि वो आप लोगों को अपने बॉस का नाम और पता बता दे, और अगर वहां से कोई चमत्कार हुआ तो मैं बता दूंगा। हाँ तो सरकार, किस लिए बुलाया मुझे? बल्लू बलराम पंडित, क्या तुम इस लड़के को पहचानते हो? बोलो हाँ कि ना। क्या कहना चाहिए मुझे, हाँ कि ना? दादा मैं, अरे अरे, ये तो मुन्ना है सरकार, मेरा मुन्ना है सरकार। हाँ, ये तुम्हारा मुन्ना है जो तुम्हारे गिरोह में काम करता है। ये तुम्हारे लीडर को नहीं, तुम्हें जानता है। और आज तुम्हारे मुन्ने ने यह बयान दिया, तुम और तुम्हारा गिरोह आने वाली 19 तारीख को हाई कोर्ट के जज श्री जगतपुरी का खून करने वाले थे और 21 तारीख को कॉलेज की बिल्डिंग में बम फेंकने वाले थे। बोलो हाँ कि ना? अरे मुन्ना, तू सच बता दिया रे? हाँ, और उसने ये भी कहा कि तुम्हारी एक माँ जो जिंदा है यूपी के किसी गांव में, जबकि तुमने तुम्हारे बयान में हमेशा यही कहा कि तुम्हारे माँ बाप को मरे हुए 5 साल हो गए। करेक्ट? करेक्ट है सरकार। तो क्या ये झूठ बोल रहा है? अरे मैंने कब कहा सरकार कि ये झूठ बोल रहा है, ये तो नादान है, बच्चा है। अरे ओ मुन्ना, वो जोनसी बुढ़िया से जो तू मिला था ना, वो मेरी माँ नहीं है रे। अब सरकार, मैं तो किसी भी बुढ़िया को माँ बना लेता हूँ, अनाथ हूँ ना, तो माँ कहते हुए अच्छा लगता है कभी कभी। और इसे देखो साहब, अरे ओ मुन्ना, तू उनके 4 डंडों से डर गया रे, ये देख कितना मारा है मुझे। अरे इनका काम है मारना और हमारा काम है मार खाना, सरकारी गवाह बनना काम नहीं हमारा। और आप लोग भी सरकार, एक नन्ही सी जान को इतना मार रहे हैं आप,
ये देखिए, अरे इसका मुंह सूजा दिया। अरे मारना था तो मुझे मारते, इसे क्यों मार रहे हैं आप? घबरा मत बोलना, रो मत, मुझे मारते सरकार। हरामजादे, सरकारी गवाह बन के आया तू? सरकार मैंने आपके गवाह को मार डाला, मैंने आपके गवाह को मार डाला, मेरा काम हो गया, आपके गवाह को मार डाला सरकार। थैंक यू सरकार, आप मुझे यहाँ लेके आए, मेरा काम हो गया। गुड नाइट सरकार, गुड नाइट। इतना मारते हो यार, कभी कभी खाने के साथ दारू भी पिलाया करो। ये कानून का डंडा देखा है? दारू मांगोगे तो राम साहब इसे हलक में उतार देंगे। ये कानून का डंडा है, ठीक है? राम साहब का डंडा है। हाँ। इसे राम साहब को देना और कहना कि घर ले जाए और इसकी बांसुरी बजाए। हरामी, तूने मुझे हरामी कहा? हाँ, हाँ, हरामी कहा। हरामी कहा? आजकल उसका हाथ बहुत खुल गया है सर। छोटे लाल, सामने के गांव से शराब की बोतल ले आना। बहुत ताकत है ना तुझमें? क्या हुआ सर? बहुत चर्बी चढ़ गई है। अरे बोलिए तो सही, बहुत गर्मी हो गई तुझमें। पुलिस हाथ उठाता, हाँ पुलिस हाथ उठाता, दो दर्द नहीं करता। बहुत लाड़ में आ गया साले, बहुत चर्बी चढ़ गई तेरे में, दिखा तेरी बॉडी, दिखा पुलिस वाले की भी बॉडी देगा, देख ये देख पुलिस वाले की बॉडी देख, पुलिस वाले की ताकत भी दिखाता, बहुत लोगों को मारा तुमने, इन्हीं हाथों से मुन्ना को मारा था तुमने, इन्हीं हाथों से। अच्छा बता, देखा कितनी ताकत है तुझमें? देखा देखा बता, दस साले Thank you.
ये ठीक नहीं है। कंट्रोल योरसेल्फ सर। रिलैक्स सर। ओके रिलैक्स। पुलिस, पुलिस वाले पे हाथ नहीं उठाना, समझे ना? कुछ सबक मिला? पहले ये बता कि उसने मुझे क्यों मारा। उसने तुझे इसलिए मारा क्योंकि तुमने पुलिसमैन को मारा। तो फिर कह दो उसको कि बल्लू ने पुलिस वाले को भी मारा। दर्द हो रहा है? नहीं, मजा आ रहा है। माँ याद आ गई। पुलिस से पंगा लोगे तो नानी भी याद आ जाएगी। लो बाल खड़े, चलो उड़ो उड़ो उड़ो, दूध पियो, चलो उड़ो। सांप को दूध पिला रहे हो सरकार? उस इंसान को जो सांप बनने की कोशिश कर रहा है। कम ऑन, आपका भी स्टाइल है सरकार, कभी ये तो कभी ये। वाह मल्लू, मैं भी तुम्हारे दिमाग और हिम्मत की कदर करता हूं। काश तुम मेरे भाई होते तो मैं तुमसे ये पूछता कि क्या तुम्हें ये एहसास नहीं कि तुम क्या कर रहे हो? विदेशी दुश्मनों के हथियार बनकर तुम अपने ही देश, अपनी ही चरणनी, अपनी भारत मां के सीने में छुरा भोंक रहे हो। अब आपने मुझे भाई कहा है तो मेरे दिल की बात भी सुन लीजिए। देखिए, आप रहे सरकारी अफसर इसलिए अपने देश और भारत माता के बारे में बात तो करेंगे ही, लेकिन कितने सरकारी अफसर हैं, नेता हैं, जो भारत माता के बारे में नारे लगा लगा कर अपनी जेबें भरते हैं, गरीबों पर गोलियां चलाते हैं, उनके मुंह से रोटी छीनते हैं। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है साहब। कुछ लोगों की बेईमानी को तुम अपनी गद्दारी का बहाना बनाकर गलत को सही नहीं साबित कर सकते। बोलो, जो गलत है सो गलत है। गलत या सही ये तो अपना अपना ख्याल है राम बाबू। आपके ख्याल में मैं खलनायक विलन, मेरे ख्याल में आप खलनायक विलन। आपकी भक्ति और भगवान आपका देश, आपकी सरकार, मेरी भक्ति और भगवान मेरा गिरोह, मेरा मालिक। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। क्या सोच रहे हैं राम बाबू? सोच रहा हूं कितना जहर भर दिया किसी ने तुम्हारे दिमाग में। वो शैतान कितना खतरनाक आदमी होगा इसका एहसास मुझे आ चुका है। मैं कसम खाकर कहता हूं बल्लू, मैं तुम्हारे मुंह से गलवा के रहूंगा, खत्म कर दूंगा उस साले को। तो फिर मेरी भी चेतावनी सुन लीजिए राम बाबू। जिसे आप राक्षस कहते हैं उसे मैं गुरु मानता हूं, और उस गुरु की कसम आज से ठीक 5 दिन बाद मैं आपकी जेल से भाग जाऊंगा। 10 अक्टूबर 10 बजे पल्लू आपकी जेल से गायब, क्योंकि मुझे कसम है अपनी मां की। जेल से भाग कर तुम उस शैतान से मिलोगे, यह हसरत तुम्हारी कभी पूरी नहीं होगी। और अगर तुम भाग गए तो राम सिन्हा अपनी
दुनिया, अपना सुख चैन, अपना सब कुछ भूल जाएगा। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा, तुम्हें वापस यहां लाना, यहां जिंदा या मुर्दा। दस अक्टूबर रात के 10 बजे मैं आउट, बंदोबस्त करके रखना। बंदोबस्त अरे मेरी पिस्तौल तुम्हारे पास कैसे? तुम्हारे बक्से से मिली। मेरा बक्सा खोला तुमने? मेरा बक्सा खोला? क्या चाहिए? तुम मुझे बहुत पसंद हो, चलोगी मेरे साथ? अरे वाह, पहले बता तो सही तू कौन है? मैं गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं। आदमी तो सच्चे लगते हो, उसमें क्या है, शराफत की किताब में तो लोग मुझे भी वैश्या कहते हैं। ऐसी वैश्या जो खूबसूरत है, बहादुर है और पिस्तौल भी रखती है। क्या मालूम कब कौन मिल जाए हराम का जना। खाली है, उधर रख दो। अपने हिफाजत के लिए रखती हूँ और क्या। मगर तू तो मुझे पसंद आ गई, कितना कमाती है? 100 रुपया एक रात के नाच का। क्यों, चलेगी मेरे साथ? कहाँ? सिंगापुर। शोलापुर? सिंगापुर हिंदुस्तान के बाहर है। बाहर, क्या फायदा? 1000 रुपए एक रात के नाच का, बड़े होटल में। बहुत पैसा है मेरे पास, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंगला, सब कुछ है मेरे पास। और अगर मैं ना आऊं तो? उठा कर ले जाऊंगा तुझे। छोकरी पटाना भी नहीं आता। दूसरी आंख तो खोल, ठीक से नजरें मिला। मिलाई, अब बोल चलेगी? धोखा तो नहीं देगा? खा कसम। कसम तो झूठे खाते हैं। सही बोला। गुरु, पुलिस आ रही है यहाँ 15 मिनट में। बोलो जान, अभी या कभी नहीं। पहले मेरा एडवांस। इकबाल, इसकी टोली को 20,000 रुपए दे देना। लेकिन इस बला को क्यों गले डालते हो यार? पल्लू को यह बला पसंद आई, सफर मजेदार रहेगा। सच? सच। लो, सुबह होने को आई और अभी तक तेरी दारू खत्म नहीं हुई। बहुत खूबसूरत लग रही थी तू कल शाम को। तो? साली नींद ही नहीं आई पूरी रात। क्यों? तेरे बारे में सोच रहा था। क्या? ये सोच रहा था कि ये गंगा है क्या? क्या है ये गंगा? नजाकत है, कयामत है, इनायत है, शराफत है, इबादत है, बगावत है, आग है, पानी है, पवन है, सैलाब है, क्या चीज है ये गंगा? क्या क्या? फिर मैं सोचा कि जो भी है एक बला, वो बला जिसे मोहब्बत कहते हैं, और इस बला पर आज बल्लू लट्टू हो गया। इरादा क्या है? तुझे बाहों में लेकर मर जाने का। चहत, बहुत पी रखी है तूने, जा जाके सो जा। तू मुझे चाहती है ना? मैं भी तुझे बहुत चाहता हूँ। कल तुझे मंदिर में ले जाकर तुझसे ब्याह रचाऊंगा, अर्धांगिनी बनेगी तू मेरी। बनूंगी, लेकिन कल ना, कल नहीं, आज। I love you. You love me?
आज बल्लू भवरा बन के आया है, मेरी गुलाब की पंखड़ी, समझ लो कि हमारी शादी हो गई। दुश्मनों ने हमला कर दिया है, अब हम दोनों को एक ही कसम खानी है, साथ में जीना है, साथ में मरना है ना? हाँ, हाँ, हाँ। चलो जाओ। अरे तू क्या कर रहे हो बल्लू? तुम क्या कर रहा हूँ मैं? अरे खेल रहा हूँ अपनी जान के साथ, अपनी अर्धांगिनी के साथ। क्यों गंगा, शादी करेगी ना तू मुझसे? चल चल आज इसी मंदिर में शादी कर लेते, लेकिन उससे पहले ये तो तुझे बताना होगा कि तेरा अगला पिछला खानदान क्या है। क्यों मालूम नहीं क्या? नाचने वाली? नाचने वाली? हाँ। या नचाने वाली? चल सच सच बता, तेरा नाम, काम, धाम, नहीं बताएगी? मैं बताता हूँ। इकबाल, मैं इस नाचने वाली का असली नाम बताऊँ? हाँ हाँ बताओ। देखो, मेरी जेब में एक कार्ड है, इसे सरकारी कार्ड कहते हैं, और इसमें इसकी फोटो भी है, और इस पर लिखा है इसका असली नाम, गंगा गंगोत्री देवी, काम नासिक जेल में सब इंस्पेक्टर। अब तू मुझसे पूछेगी कि मेरे पास ये आइडेंटिटी कार्ड आया कैसे? चोली के नीचे क्या है, चोली के नीचे? उस रात जब तू ये गाना गा रही थी, मैं तेरे कमरे में गया, तेरे बक्से में से पिस्तौल मिली और पिस्तौल के नीचे से ये आइडेंटिटी कार्ड मिला। बस तू मुझसे खेलती रही और मैं तुझे खिलाता रहा। हे गंगा, आज जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। बस इसी तरह ढाल बनकर तू हमारी हिफाजत करती रहना, और अगर पुलिस आई तो पहली गोली तू खाना, तू, और दूसरी मैं खाऊंगा। साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। बोल, धोखा देगी? देगी धोखा? धोखा देगी तू? नहीं, धोखा नहीं देगी। एक बार, ये धोखा नहीं देगी, नहीं देगी ये धोखा, ये धोखा नहीं देगी। अरे स्वागत करो भाई, स्वागत करो गंगा पुलिस वाली का। अरे घंटी बजाओ। नायक खलनायक। हरामी, तो हमारे मल्लू सिंह के खिलाफ वोट देने गया था? सब को हुक्म हुआ है कोई अपने घर से नहीं निकलेगा, कोई वोट नहीं देगा। अब यहाँ से निकलना होगा। बचाइए दरोगा जी, बचाइए, सरवती के बेटे को गुंडे लोग मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? इस गांव का सबसे बड़ा गुंडा मल्लू सिंह हमारे सरपंच सुखराम जी के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हुआ है। गांव वालों को वोट देने से मना किया है सरकार। के गुंडे खुद ही अंदर बैठकर स्टंप मार रहे हैं सरकार। अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ। देखो हम इस चक्कर में नहीं फंसेंगे, चलो। कोई है? अरे मेरे भैया को बचा लीजिए। खबरदार, अगर पुलिस वालों से भीख मांगी तो। बेटा, क्या जुल्म किया था हमारे बेटे ने? सिर्फ एक वोट देने ही तो गया था। हट। हाँ जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। मरा देता गुंडा है, डाकू है। सुखराम जी देवता इंसान है, सरकार वोट देने का अधिकार हर इंसान को है। अरे तुम गांव वाले को डरा सकते हो, मुझे नहीं समझे? हाँ। ये क्या बोला बे? अरे 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 भाई साहब, देखिए बहुत मार खा ली इसने, अब आप जाओ
डब्बे उठाओ, थप्पे लगाओ, लूटमार करो, ऐश करो, क्यों? जाओ जाओ। ए मामा, चल फूटना। तेरे को मालूम नहीं, पुलिस वालों को 2 घंटे की छुट्टी दी है। अरे 2 घंटे की क्या? अरे मेरी बात तो सुनो। क्या? ए हरामी, तेरी ये हिम्मत, तू ये पुलिस वाले पे हाथ उठाता है? मुंह बंद रख चंद्रमुखी, नहीं तो तेरी भी वोटिंग हो जाएगी। क्या? चल चुप बैठ टकले। वो मेरे लिए बाबूजी से हमेशा झूठ बोलती थी मेरे लिए। माँ माँ मुझे जरूरत से ज्यादा प्यार करती थी और बाबूजी मुझे जरूरत से ज्यादा नफरत करते थे। अगर कोई मुझे थोड़ा बहुत ठीक समझता था तो वो थी मेरी बड़ी बहन सुनीता, समाज सेविका। क्या ये सच है कि तुम रोशी महंता की नौकरी के लिए गए थे? हाँ ये सच है। मालूम है ना कि वो 6 साल जेल काट कर आया है? मालूम है। और जवान लड़कों से हशीश और चरस का धंधा करवाता है? मालूम है। फिर भी तुम उसकी नौकरी करोगे? हाँ करूंगा। क्यों? क्योंकि 10 जवाब है मेरे पास। एक, माँ स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते बूढ़ी हो चुकी है। 2, बाबूजी की ईमानदारी की वकालत को सब लोग ठुकरा चुके हैं। 3, तुम्हें 2 साल से नौकरी नहीं मिली है। 4, बाबूजी सिफारिश तो कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि वो महात्मा गांधी के मित्र के पुत्र हैं। तू रोशि महंता के यहाँ नौकरी करेगा? हाँ करूंगा। भारत के क्रांतिकारी जगन्नाथ प्रसाद जी का पोता रोशि महंता की हशीश बेचेगा? वो गली में लगी पट्टी आपके पिता की, श्री जगन्नाथ प्रसाद चौराहा, और ठीक उसी के सामने एक घर है जिसका किराया 10 महीने से नहीं दिया गया, जिसके बेटे को 2 साल से कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। हेलो, इस खानदानी तख्ती के नीचे आप बैठे पिताजी, पर मुझे उस तख्ती पर बैठना है जहां मंत्री से लेकर चपरासी तक पैसा बनाते हैं, सिर्फ पैसा। बस
उसी दिन से वो ऋषि महंत का गुलाम हो गया था। गरीबी की गुलामी से ऋषि की गुलामी पसंद थी मुझे। एक बार मुझे जेल हुई और मेरे ही बाप ने मेरी जमानत देने से इनकार कर दिया। रोशी छुड़ाने आया था मुझे, रोशी। बस वो मेरा आखिरी दिन था। मैंने मां से पूछा, चलेगी मेरे साथ? वो कहने लगी, नहीं, औरत का असली घर तो उसके पति का घर होता है। और बेटा? बेटा तो पति के बाद ही आता है ना। बच्चा बनो, बच्चा। पहले ये बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूं? तुम भी हंस रही हो? नहीं, नहीं, अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। जानती हो, जब मैं 15 साल का था और पहली बार दाढ़ी बनाई थी तो मेरी माँ बहुत हंसी थी, बहुत हंसी थी वो। जब आदमी अचानक अपना रूप बदल देता है ना, तो ऐसे ही होता है। ये रूप तुमने तो बदला है। काश मैं तुम्हें भी बदल सकती। लगता है बहुत जल्द तुम बदल दोगी मुझे। कैसे? देखो, मैं किशनगढ़ के मेले से तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या है वो चीज जो तुम्हें बहुत पसंद है? क्या है, दिखा दो। ऐसे नहीं, जब मैं यहाँ से बाहर चला जाऊं तब खोलना। सुनो, आज मैं बहुत खुश हूं। कमाल है, जो लड़की मेरी मौत बनकर आई है वो मेरी जिंदगी बन जाएगी। ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मैं जानता हूं कि मैंने जिंदगी में बहुत झूठ बोले हैं, बहुत झूठ बोले हैं मैंने, इसलिए आज तुम्हें मेरे सच पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन ये सच है गंगा, देखोगी कि सच क्या है? ये सच है, राम जी की पीढ़ी से ये मंगलसूत्र लाए हूं तुम्हारे लिए, और ये मेरी जिंदगी का पहला सच होगा। पहला सच गंगा। बस वहीं रुक जाओ बल्लू, वहीं रुक जाओ, भगवान के लिए वहीं रुक जाओ। क्यों, क्या हुआ? वही हुआ जो जो नहीं होना चाहिए। मतलब? देखो बल्लू, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन लेकिन प्यार प्यार नहीं करती मैं तुमसे। क्यों? क्योंकि 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 मैं किसी और की हो चुकी हूँ। देखो बल्लू, मेरा जीवन, मेरा प्यार, मेरा पति कोई और है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे। ऐसा विचार नहीं करना, नहीं करना ऐसा विचार। क्यों ना करूं? ये विचार तुमने तो दिए हैं मुझे। मैं कैसे दे सकती हूँ जबकि मैं किसी और की हो चुकी हूँ। किसकी हो चुकी हो तुम? क्या नाम है उसका? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। जानती हो, एक बच्चा खलनायक क्यों बनता है? क्योंकि धोखे की छुरी उसके दिल में जा चुपती है, उसके दिल में। नहीं, अब बनूंगा मैं सही खलनायक, बताऊंगा तुम्हें तुम्हारी दुनिया को कि खलनायक क्या होता है। नहीं। एक सही खलनायक क्या होता है? बल्लू, पहाड़ी को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, तुम पीछे के घाट से निकल जाओ। माँ, माँ तूने मुझे धोखा दिया, मुझे धोखा दिया तूने, पुलिस को साथ लेकर आई तू?
नहीं बेटे, ये पुलिस नहीं है, ये राम है, तेरे बचपन का दोस्त बाबला। बाबला, बाबला तुझे याद नहीं? बचपन में तेरी किताबें ले जाया करता था पढ़ने के लिए, तेरे लिए दूसरों से लड़ाई करता था, वही राम है। हाँ राम, तुम बताओ ना, बता ना तुम। तो ये चाल रही पुलिस वालों की? नहीं बेटे, नहीं, देख चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है, वो लोग तुझे गोली से एक पल में मार देंगे और वो पल मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए मैं कहती हूँ तू पुलिस के साथ चला जा, तो जेल चला जा, तो जिंदा तो रहेगा ना मेरे लाल, तो जिंदा तो रहेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बल्लू, बल्लू माँ की बात मान, बल्लू माँ की बात मान, बल्लू माँ की बात। अपने मेडल जीतने के लिए तूने मेरी माँ को इस्तेमाल किया? बल्लू रुक जा, माँ रुक जा, चल माँ, मत मार मुझे, माँ मत मार मुझे, उस पुलिस वाले के लिए मारती तू मुझे? हाँ? उसके लिए मारती तू मुझे? हाँ? उसके लिए? हाँ? तो जा, तू भी। तूने माँ को मारा? तूने माँ को मारा? माँ को मारा तूने? माँ को, माँ को मारा, माँ को मारा, राम ने माँ को मारा। उस माँ को मारा, उस माँ को मारा जो 6 साल से सड़कों पे धूप में खड़ी तेरा इंतजार करती रही। हमारा, वो मेरी माँ है, मैं उसके साथ जो चाहूँ करूँ, तू कौन होता है उसका? उसका बेटा, बेटा हूँ मैं उसका। तू उसका बेटा नहीं, मैं उसका बेटा हूँ मैं। तो मान लो उसकी बात, मान लो उसकी बात और कर दे अपने आप को पुलिस के हवाले। हरगिज़ नहीं, ये तुम्हारी चाल है। कोई चाल नहीं, हम तुम्हें बचाना चाह रहे हैं। बल्लू, 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 हट जा, मैं कहती हूँ चोर, चोर, क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा, चोर, हट जा, मैं कहती हूँ चोर, उठ, उठ, बल्लू मार ना माँ की बात, उठ, तू बीच में मत आ माँ, मत आ बीच में। कमीने, परेशान ऐसे, परेशान ऐसे, ये है वही गंगा और ये गंगा है मेरी, मेरी गंगा है, मेरी होने वाली पत्नी। और अपनी गंगा के लिए मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, धज्जियां उड़ा देता तेरी, अगर अगर इसकी ममता मेरे सामने ना होती। मेरे सब, मेरी दोस्ती का इतना बड़ा इम्तिहान मतलब बल्लू, बहुत सब्र किया मैंने, बहुत सब्र किया मैंने। ममता का नाटक खेलकर तू मुझे और मेरे गिरोह को खत्म करना चाहता है, लेकिन उससे पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगा, तुझे। बोलो, माँ तूने मुझे थप्पड़ मारा? काश मैंने ये थप्पड़ तब मारा होता जब तूने स्कूल से पेंसिल चुराई थी, ये थप्पड़ तुझे तब मारा होता जब तूने इस राक्षस के पटखों को हाथ लगाया था, और तुझे तब मारा होता जब तूने पहली बार अपने पिता के आदर्शों का अपमान किया था,
दुनिया की हर माँ से जाके कहूंगी मैं कि देखो देखो, जो माएं अपने बच्चों की काली करतूतें अपनी ममता के आंचल में छुपा के रखती हैं, उनके बच्चे बड़े होकर ऐसे होते हैं, ऐसे खलनायक। बलू, आज के बाद तू मेरे लिए मर गया है। तो तू माँ भी नहीं? माँ हूँ, लेकिन तेरी नहीं। किसकी माँ हो? किसकी? राम की। उस राम की जिसने बचपन के दो एहसानों के बदले में। बस! तू जाना चाहती है ना? तू जा, जा उनके पास, बिल्कुल जा। लेकिन जाने से पहले मेरा एक काम करती जा। ये रही पिस्तौल, ये रहा तेरा हाथ, और ये रहा मेरा सीना। चला गोली, चला चला गोली मां। आज तू भी देख ले मां कि तेरा ये खलनायक बेटा अपनी मां के लिए जान कैसे देता है। चला गोली, तुझे मेरी कसम मां, गोली चला कर दे खून इस बेटे का, इस खलनायक का। चला गोली मां। अगर मुझे खून करना ही है तो क्यों ना इस राक्षस का खून करूं जिसने मेरे घर को और इस देश के बच्चों को बर्बाद किया। रोशी महंता, तेरा इंतजार पूरा देश कर रहा है, इस देश का हर राम कर रहा है, हर गंगा कर रही है। तू पागल हो गई है माँ? माँ ये हमारे गुरु है, हमारे नेता है। ये हमारे देश के दुश्मन है। माँ, माँ जो कुछ भी मेरे पास है सब इनकी वजह से है। और आज तेरे पास जो कुछ नहीं है वो भी इसकी वजह से है। माँ, हमने अपनी जान देकर भी इनकी रक्षा करने की कसम। कोई बात नहीं बल्लू, कोई बात नहीं, माँ है। मेरे ख्याल से माँ जी हमारे साथ यहाँ रहना नहीं चाहती, तो क्यों ना इन्हें वापस गांव भिजवा दें। नहीं, दुश्मनों ने उसे धतूरा खिलाया है, ये यहीं रहेगी और मेरे साथ चलेगी सिंगापुर। Yes. सर, वो मोसेन एलन के आसपास ही कहीं छुपा हुआ है, हमें समुद्र के पीछे वाले रास्ते से जाना होगा। ओके, मूव। माँ जी, तू खाना नहीं खाएगी, पानी भी नहीं पिएगी? नहीं। देख माँ, लेकिन फिर भी मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, अपने साथ ले जाऊंगा तुझे। तुम एक औरत को ले जा सकते हो, लेकिन एक माँ को नहीं। तो फिर माँ को ले जाने के लिए क्या करना होगा मुझे? तुम्हें गंगा से माफी मांगनी होगी, जो तुम्हारी वजह से जेल में है और आज सारे जहां की नजर। यानी कि मैं जेल चला जाऊं, खत्म हो जाऊं? माँ, ये पुलिस वाले सिर्फ गोली मारना जानते हैं, माफ करना नहीं जानते। हेलो बल्लू बेटे, पुलिस के यहां आने का सिग्नल मिला है, तुम फौरन सिंगापुर वाले जहाज पर पहुंचो। माँ जी की फिक्र मत करना, उन्हें हम मोस्ट इंपोर्ट के रास्ते बोट से दूसरे जहाज तक पहुंचा देंगे। पुलिस की गोली है, किसी को भी लग सकती है। ठीक है, मां को दूसरे जहाज में बिठा दो, रोशन के साथ। श्योर। नहीं। यस, आई एम द बॉस नाउ, अब मैं बॉस बन गया मैं। जी हां बलू दादा, सिंगापुर की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अब से आपको ही हमारा नेता बनाया है, और आपको यहां से ले जाने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजने का भी इंतजाम किया है, जो चंद मिनटों में यहां पहुंच रहा। यानी कि मैं सबसे बड़ा खलनायक बन गया। लेकिन हिंदुस्तान छोड़ने से पहले इस अखबार में छपी हुई खबर जरूर पढ़ लो। क्यों? ताकि तुम्हें अपनी बीती हुई यादों पर अफसोस ना रहे कि तुम्हारी माँ क्या चाहती थी। अरे रोशन, तू पढ़। गंगा और बल्लू के नाजायज संबंध, अब यह बात साबित हो चुकी है कि गंगा ने बल्लू के प्रेम जाल में फंसकर उसकी जान बचाई और पुलिस और अपने देश से गद्दारी की। गंगा ने बल्लू को बचाया, इसी कारण से आज गंगा को पूरे देश ने देशद्रोही करार दिया है, यहां तक कि रामसेना भी उस पर लगाए हुए कलंक को मिटा नहीं सका। वो भी उसे त्याग देने का विचार कर रहा है। गंगा के इस केस का आखिरी फैसला अदालत कल करेगी, जिसमें कम से कम 10 साल की सजा होगी। सारांश यह है कि आज की सीता रावण के साथ रही
और राम को बदनाम किया और राम को बदनाम आज की सीता रावण के साथ रही और राम को बदनाम किया आज की सीता रावण के साथ रही और राम को बदनाम किया रावण के साथ रही आज की सीता राम रावण के साथ रही और राम को बदनाम किया रावण के साथ आज की सीता रावण के साथ रही और राम को बदनाम किया आज की सीता रावण आज की सीता रावण के साथ रही और राम को बदनाम किया आज की सीता रावण के साथ राम को बदनाम और राम को बदनाम किया आज की सीता रावण के साथ गंगा देवी ने नैतिक और कानूनन मॉरल एंड लीगल दोनों गुनाह किए हैं इस बिना पर अदालत उन्हें 7 साल बामुशक्कत कैद की सजा देती है क्या चाहिए इंसाफ इंसाफ ना कानून दे सकता है ना पुलिस अगर कोई इंसाफ दे सकता है तो एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है और आज ये बात इस हैवान को समझ आ गई ऑनर तुम बल्लू जी मैं बल्लू बलराम योर ऑनर मैं गीता की कसम तो नहीं खा सकता क्योंकि मेरे लिए गीता कुरान बाइबल जो भी है वो खड़ी वो औरत मेरी माँ है मेरी और आज मैं उस माँ की कसम खा के कहता हूं कि गंगा पवित्र है सीता की तरह पवित्र है योर ऑनर इसकी एक एक बूंद में राम समाया था और है और राम जो सचमुच में राम है भारत का सच्चा पुत्र है योर ऑनर हम हमेशा यह समझते थे सरकार कि पुलिस और कानून गोली मारने और फांसी देने के सिवाय और कुछ नहीं जानता पर नहीं आज भी इस देश में ऐसे राम है ऐसी गंगा है जो मेरी तरह समाज से निकाले गए खलनायक को जिंदगी देने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर सकते हैं सब कुछ गंगा पर लगाए गए हर इल्जाम का गुनहगार मैं हूं सरकार जो सजा देनी है मुझे दीजिए लेकिन इस सीता को अपने राम से जुदा मत कीजिए सरकार